जो मर्द इस तरह के हैं, जो औरतों पे बुरी नजर डालते हैं, उनसे पर्दे में रह के ही हिफाजत किया जा सकता है। हिजाब डालें अपने ऊपर और हिजाब को रुकावट करके औरतें पार कर देती हैं। ऐसा कहीं नहीं है हमारे इस्लाम में कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है औरतों के साथ। नहीं, ये गलत एक मैसेज हम कुछ औरतों की वजह से, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में जो है सानिया मिर्ज़ा ने एक कारनामा अंजाम दिया था, तो आज लोग सानिया मिर्ज़ा को जानते हैं ना, लेकिन सानिया मिर्ज़ा से क्या सीखा लड़कियों ने? नाक का नथुनी पहने सीखा है लड़कियों ने, स्पोर्ट नहीं सीखा नाक का। पर्दे के हवाले से जो चूँकि ख़ास प्रोग्राम था, ये हिजाब के हवाले से था, तो आज के माशरे में, आज के माहौल में जिस तरह हमारी बच्चियां या बड़े लोग भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पर्दे का, हालांकि इस्लाम में पर्दा अपने आप को छुपाना और शरीयत के दायरे में रह के हर काम को अंजाम देने का मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप पर्दे के अंदर कोई बुराई करें और छुपा लें अपने आप को और लोगों की नज़रों से छुपा लें, लेकिन पर्दा वो उसको आप कवर बना लें अपने गुनाहों के लिए या गलतियों के लिए या कोई ख़ताओं के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो सबसे प्यारी और अच्छी औरत है जिसने किसी गैर महरम को नहीं देखा और किसी गैर महरम ने उसे नहीं देखा। तो ज़रूरी नहीं कि औरतों के लिए ये है कि सिर्फ अपने आप को छुपा लिया जाए और अपनी निगाहों को आज़ाद छोड़ दिया जाए। उन ख्वातीन को क्या कहना चाहेंगे जो नकाब लगा के बाहर जाती हैं और बाहर खोल देती हैं? सुना भी है, देखा भी अपनी आँखों से, तो ये रियाकारी मक्कारी भी है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप दुनिया से छुपा रहे हैं पर रब तो हमेशा आपके साथ है। तो इसलिए आप ये ख्याल रखें कि वापस आपको वहीं लौटना है। और अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमा चुका है, फमई अमल मिसकाल अज़रतिन शर्रयरा वमई अमल मिसकाल अज़रतिन खैरयरा, यानी छोटी से छोटी खताएं करते हो तो उसका भी तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला अज्र वो तुम्हारा उसका देगा, तुम्हें हिसाब लेगा तुमसे। और तुम अगर थोड़ी सी थोड़ी नेकियां भी करते हो जिसका तुम्हें पता नहीं, उसका भी अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अज्र देगा, ज़रूर देगा। आज के दौर में पर्दा जो है वो फैशन में तब्दील हो गया। अगर खास करके हिजाब जो पहनते हैं आजकल की लड़कियां, तो वो लोग फैशन के तौर पे पहन रहे हैं। जी, फैशन के तौर पे पहन रही हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जीन्स ऊपर में, नीचे में जीन्स भी है, जो मर्दों का लिबास है, जिसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत करार दिया, वो चीज़ें भी औरतें वेयर कर रही हैं, पहन रही हैं। तो नीचे जीन्स होता है, ऊपर टॉप भी होते हैं, और फिर आप देखें कि ऊपर से एक खूबसूरत सा हिजाब का जो फैशन अभी चल रहा है वो डाल लेती हैं। उनके कोई भी हिस्से छुपे नहीं होते, पर्दा का माना छुपा होना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दीन की दाई तबस्सुम बाजी। जो अपना कर हैं जो बच्चियाँ, वो इस्लाम की शहजादी हैं, और जो नहीं अपनाई हैं, इस प्लेटफॉर्म से हमको ये कहना है, जो नहीं अपनाई है पर्दों को, वो पर्दे को अपनाए। पर्दा किसी फील्ड में उनको पीछे नहीं रहने देगा, वो पर्दे में रहकर तमाम काम कर सकती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ सकती हैं। पर्दा तो फ़र्ज़ है, उसको करना ही है। ये तमाम हमारे कौम की बच्चियां समझ ले कि पर्दा उनके किसी प्रोफेशन में आड़े नहीं आएगा। जो बच्चियां आज पर्दे नहीं करती हैं, बेहयाई को आम कर रही हैं, हमको उनसे यही कहना है कि वो अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, और सिर्फ़ अल्लाह से डरें, और अल्लाह से डर कर पर्दा करें। क्योंकि पर्दा ना करने की वजह से ही ये जो बेहाई के कपड़े पहनती हैं, जिसके वजह से आए दिन रेप होता है। मर्द हजरात के बारे में कुरान शरीफ में कह दिया गया है कि अल्लाह ने इनको दिया ही है कुछ ऐसा नफ्स, तुम इनसे अपनी हिफाजत करो। ये कुरान में ही दिया है, तुम खुद इनसे अपनी हिफाजत करो। और औरतें अपनी हिफाजत पर्दे में रहकर मर्दों से, जो वहशियाँ हैं, जो मर्द इस तरह के हैं, जो औरतों पे बुरी नज़र डालते हैं, उनसे पर्दे में रह के ही हिफाजत किया जा सकता है। हिजाब डालें अपने ऊपर और हिजाब को रुकावट ना समझे अपनी ज़िंदगी में। मेरा तो यही कहना तमाम अपनी उम्मत के, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तमाम औरतों से, जहाँ तक ये जाए, कि आप ज़रूर हिजाब लें, और हिजाब में लें कि अपने फील्ड में आगे बढ़ें, मगर हिजाब ना छोड़ें। पर्दे का हुक्म तो अल्लाह ताला का है, और हर औरतों को चाहिए कि पर्दा करें। और जब से ये हुक्म आया, औरतों ने पर्दा करना शुरू भी किया, और आज भी मौशरे में औरतें पर्दा करती हैं माशाल्लाह। आज भी अगर आप महफिल देखेंगी तो औरतें पर्दे में बैठी हैं,
लेकिन ये पर्दा जो है कैसा होना चाहिए, किस लिहाज का होना चाहिए, इसको लेके काफ़ी कश्मकश है। इसलिए कि जिस माशरे में हम रहते हैं पर्दे को लेके काफ़ी बातें होती हैं। औरतों को ये समझा जाता है कि जो मुसलमान औरतें पर्दा करती हैं वो बेचारी हैं, उनको अपने घर से ज़बरदस्ती कराया जाता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बात भी क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे ऊपर पर्दा किसी जुल्म सितम के ज़रिए से नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और हम सारी बंदियां, हम जितनी मुसलमान लड़कियां हैं, पर्दे अपने शौक़ से और अल्लाह के हुक्म को मानते हुए करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बाहया उसको अब सिर्फ ऊपरी नहीं अंदर से भी हमारे पर्दे का जो झलकना चाहिए वो झलकाव आना चाहिए। और अभी हम एक बात अभी सुन रहे थे कि मुसलमान लड़कियाँ जो पर्दा करके बाहर निकलती हैं लेकिन बाहर पर्दा छोड़ देती हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये रियाकारी है और ये अपने आप को धोखा देना है। ये किसी और को धोखा देना नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। और मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आपको कोई ज़बरदस्ती पर्दे के लिए नहीं कह रहा है। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो खुदाया इसको बदनाम मत कीजिए, आप मत कीजिए पर्दा, आप मत निकलिए बुरखा पहन के। लेकिन खुदाया ये काम ना कीजिए कि आप अपने घर से निकलिए और आप समझती हैं कि आपके मोहल्ले वाले या आपके घर वाले आपको देख रहे हैं कि आप पर्दे में निकली और बाहर किसी को खबर नहीं है। तो मैं बता दूँ कि दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आप अपने घर से पर्दे होकर निकली थी और बाहर आप बापर्दा हो गई हैं, रास्ते में पर्दा उतार दी हैं। तो ये कुछ नहीं है, अपने आप को धोखा देना है, किसी और को धोखा देना नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अगर आपका इससे दिल मानता है तो बेशक आप बाइज्जत इस बात को मानिए और इस पर पर्दा कीजिए। आप पे कोई सितम नहीं है और ये मैसेज कभी नहीं दीजिए कि ये आप पे जुल्म है या सितम है, क्योंकि हम जो औरतें पर्दा करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए करते हैं, अपनी बात को समझते हुए करते हैं और बाइज्जत रहने के लिए करते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम करने की खास मकसद यही थी कि जिस तरह से आज हम इस मॉडर्न ज़माने पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी अच्छाइयों को भी देख रहे हैं, बहुत सारी बुराइयों को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है कि हम आगे बढ़ने के लिए और खुद को कहीं ऊंचाई में लेके जाने के लिए कुछ भी हदें लोग खास करके औरतें पार कर देती हैं। ऐसा कहीं नहीं है हमारे इस्लाम में कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है औरतों के साथ, नहीं, ये गलत एक मैसेज हम कुछ औरतों की वजह से आज ये समाज में जा रही है। इसी वजह से आज ये प्रोग्राम को मैंने ऑर्गेनाइज किया इन सब बच्चों की मदद से, क्योंकि इन सब का एक दिली ख्वाहिश थी कि देखिए कोई ये अल्हम्दुलिल्लाह सभा है, ये कोलकाता पुलिस में है, इनकी ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह आपके न्यू मार्केट कॉरपोरेशन पे है, बीए टीचर है, स्टूडेंट है, ये उर्दू मेरी जो फ्री दीनी तालीम की जो कोचिंग चलती है रुखसार लेती हैं, वो बंगाली टीचर अल्हम्दुलिल्लाह सब पर्दे में है। हमारी जो बड़ी बहन है अर्शापी, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मिली अलमीन कॉलेज की प्रोफेसर है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मज़हब में कहीं प्रेशराइज किया जाता है हम लोगों को कि आपको सर ढकना है या हिजाब पहननी है या आपको पर्दे में ही हर रह के घर पे रहना है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत आज़ादी दिया गया है, हमारे मज़हब में भी हमारे घर के शोहर बाप दादा सब ने यही चीज़ सिखाया जाता है कि हम कुछ भी करें इज़्ज़त और आबरू को संभाल के हम ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हमारे घर के बड़ों का सर झुके या हमारे समाज के लोगों के या हमारे कौम के बड़ों का, क्योंकि हम कुछ आज अच्छा करेंगे वो अच्छा का मैसेज 10 लोग तक पहुँचेगा। आज हम अगर अपने आप को बेआबरू करेंगे, नंगा घूमेंगे, तो देखिए आज हमारे जो बच्चे जनरेशन, न्यू जनरेशन जो आज हम लोगों को देख रहे हैं, तो हम उनको क्या सिखाएंगे, क्या पैगाम देंगे। तो यही पैगाम है कि देखिए प्रेशर कुछ नहीं है हमारे मज़हब में, ये हमारे लिए खूबसूरती का भी पहचान है। क्योंकि ये मैं पर्सनल बोलती हूँ कि पहले मैं भी जैसे आम आज लोग घूम रहे हैं खुले सर बदन का कपड़ा में मॉडर्नाइज्ड, तो जब मैं भी अब अल्लाह के हिदायत से जब जैसे जैसे अपने मज़हब को समझी, किताबों को पढ़ने लगी, समझ आई, तो तब अपने आप में वो चेंजेस आने लगी। तो मैं ये कहती हूँ सभी औरतों बच्चियों से कि आप अपने आप को मजबूत करें, आगे बढ़े समाज की लड़ाई में, आपको जिस फील्ड में जाना हो आप जाएं, बस अपना इज्जत आप अपने हाथ में रखें। पर्दगी के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम तन सर ढाक लिए, नज़र की भी पर्दगी बहुत ज़रूरी है। आप अगर गैर महरम से मिल रहे हैं और आप का जो बॉडी का लैंग्वेज है वो उनके साथ गलत जा रहा है, तो ये जानिए कि आप सिर्फ नहीं देख कर रहे हैं, वो 10 आँख भी आपको देख रहा है और उससे एक गलत मैसेज जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जिसने प्रोग्राम मुनाकिद किया, जैसे प्रोग्राम की मुहर्रिक जो है माही ज़ुबैर हैं, उसके अलावा अपना अधिकार की पूरी टीम को जो है मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस मौजू पर जो है आप लोगों ने ये एक कामयाब जो है
प्रोग्राम मुनक़द किया है। सबसे बढ़ के प्रोग्राम मुनक़द करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका कामयाब होना ही बहुत बड़ी ये बात है कि आप जो हैं अपने मिशन में या अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हैं। मगरबी तहजीब को लिया गया है, लेकिन मगरबी तहजीब में जो है मगरबी लोगों के जो एक तरक्की याफ्ता ख्यालात हैं, जो मगरबी लोगों की जो तरक्की याफ्ता ख्यालात हैं, मतलब आगे बढ़ने का, पढ़ने लिखने का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का बरमोड़ा लिया जा रहा है, बुकनी को लिया जा रहा है, इसको समझा जा रहा है कि हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हैं। ये नहीं समझा जा रहा है कि वेस्टर्न से हम लोग जो है मगरिब से कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा सीखें हम लोग उनकी तरक्की। आज साइंस में आज जब बुकर प्राइज़ होता है या आज जो है नोबल प्राइज़ होता है तो क्यों मिलता है उन लोगों को, क्यों मिलता है दूसरे लोगों को, क्यों मिलता है हमें क्यों नहीं मिलता है? रविंद्रनाथ टैगोर के पास से कौन लाया है? हमारे यहाँ नोबल प्राइज़ किसको मिला है? हम दूसरे लोगों को देख के तरक्की नहीं करते साइंस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम तरक्की नहीं करते। हम ये देखते हैं कि मगरिब में जो नंगा घूम रहा है, बीच में जो है सन बात कर रहा है, चलो हम भी ऐसी करें, हम कौन से कम है, मेरे पास पैसा है, हमको भी कर सकते हैं ये काम। तो ये हमारे अंदर की जो है हमारे निगाहों में जो है वसत जो है कम है। अगर हमारी निगाहों में वसत कम है तो इसकी जिम्मेदार कोई कौम नहीं है, इसकी जिम्मेदार खुद हम हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, आपने भी तालीम हासिल की है जी, और जो अभी तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं लड़कियां, क्या कहना चाहेंगी नए जनरेशन को? देखिए, न्यू जनरेशन को मैं ये कहूँगी कि न्यू जनरेशन जो है अपने मज़हब से जो है दूरी ना बनाए, बल्कि जितना हो सके अपने मज़हब से जो है जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। मज़हब का मतलब ये नहीं, मज़हब का मतलब ये नहीं कि आप मुसल्ला पर बैठी रहें। मज़हब का मतलब है आप मज़हब के जो ये है, मज़हब ने जो कहा है आपको पर्दा के ज़रिए, पर्दा का मतलब आप हर वक्त जो है मुंह पर निकाब नहीं लगा के रहिएगा, लेकिन आप जो है तहजीब से रहिए ताकि कोई दूसरी कौम जो है आप पर उंगली ना उठाए। बच्चों से यही कहना चाहेंगे, बच्चियाँ जो हैं दीन अपने मज़हब पर अपनी तहजीब पर चलते हुए जो है तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ें, आगे तरक्की करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि जो है लोग देखें कि हमारे यहाँ एक हमारी बेटी ने यह कारनामा अंजाम दिया। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में जो है सानिया मिर्ज़ा ने एक कारनामा अंजाम दिया था, तो आज लोग सानिया मिर्ज़ा को जानते हैं ना, लेकिन सानिया मिर्ज़ा से क्या सीखा लड़कियों ने? नाक का नथुनी पहने सीखा है लड़कियों ने, स्पोर्ट नहीं सीखा, नाक का नथुनी सीखा। तो सानिया का क्या कसूर है इसमें? किसी भी चीज़ में आपको जो है बहुत कुछ देना पड़ता है, उसके बाद आपको रिटर्न जो है बहुत दिन में मिलता है, बहुत देर से मिलता है। तो रिटर्न अगर देर से मिले या एक सबर आजमा अमल है, तो सबर आजमा अमल मुसलमान लड़कियों को स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को साइंस एंड मेडिसिन में भी जाना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को कानून दा भी बनना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को जो है इंतज़ामिया में एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहिए, WBCS पास करके जाएँ, IAS पास करके जाएँ, मुसलमान लड़कियों को बहुत सारे फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं? जो कुछ बुरा है उसको सीख लेते हैं, अच्छा कुछ हम नहीं सीख सकते। प्रोग्राम से क्या सीखा आपने, ये बताइए क्या सबक? एक्चुअली एज वी आर न्यू जनरेशन, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग न्यू जनरेशन से, तो हम लोग को भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सब सीखने का, क्योंकि हम लोग को बेसिक फ्रेंड सर्कल्स में, अदर लाइन्स में, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग बैड तरीके ही सीखते हैं, हम लोग कोई राइट पाथ जाता नहीं। बट अगर हम लोग इस प्रोग्राम में आए हैं तो हम लोग बहुत न्यू समझते हैं और सीखे, और सिर्फ समझने और सीखने का मतलब नहीं होता, हम लोग को इन सब में फॉलो भी करना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनवाइट करना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है हमारे टीम में, और अपना अधिकार, हमारा एक टीम है, हमारा अधिकार है, वो हम लोग को एम्पावरमेंट में शो करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि देखो ये हम लोग को इस पावर में, इस वे में जा रहा है। अगर हम लोग इस फ्रेंड सर्कल में चाहते चलो इसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है, लेकिन हम लोग उसमें से सीखते क्या है? लेकिन जब हम लोग अपना अधिकार में आते हैं तो हम लोग उसमें से क्या सीखते हैं? ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता, और जिसको पता भी है वो लोग भी गलत वे में जाते हैं। बेसिकली ऑब्वियसली हम लोग न्यू जनरेशन है, तो अभी के जैसे जनरेशन है उस हिसाब से बहुत सारा हम लोग बहुत जगह में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग का जैसा सराउंडिंग है बहुत गलत वे में जाते हैं हम लोग, बट बेसिकली घर का वे, हम लोग का जैसा घर का सराउंडिंग होता है उस हिसाब, उस लिमिटेशंस में रहते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है और बहुत कुछ सीखना है, और ये भी याद रखना है कि हम लोग मुसलमान हैं। हिजाब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली, एज वी आर मुस्लिम
तो और अभी के टाइम में जैसे पॉपुलेशन में देखा जा रहा है तो मुस्लिम का बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एजुकेशन एंड ऑल के पीछे मुस्लिम यूनिटी कम्युनिटी बहुत पीछे है, तो इसको भी इम्प्रूव करना है हम लोग को। आज का जो हमारा प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब इन इस्लाम, हमारा मोटिव क्या है इसके पीछे, हमारा मोटिव ये जो हमारे जो न्यू जनरेशन है वो हर चीज़ों को बेसिक से सीखे। वो लोग देख लेते हैं कि हीरोइनों ने पहना है तो पहन लेती हैं, या फिर कोई लेडी को देख लिया कि अरे ये बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत मोहतरमा है, उनको देख के इन्फ्लुएंस होती है, ना कि ये जानती है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अगर हमारा इस्लाम बहुत कुछ सिखाता है, और मेरा तो ये मानना है कि आप जब मॉडर्नाइज होते हैं तो लिबास से नहीं होते हैं, अपने माइंड से होते हैं, तो आपको एडुकेशन के ऊपर में काम करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग करते हैं, हमारा अपना अधिकार बैनर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, इसी वजह से जो है आज हम लोगों ने ये भी स्टेप लिया कि क्यों ना हम लोग जो है अपने इस्लामिकली जो चीज़ है, जिसको आदमी बोलते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मुस्लिम जो है उनकी जो सोच है वो बहुत नैरो माइंडेड है, जी नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर आपको इल्म हासिल करना हो तो आप चीन तक जाएं, और औरतों को भी उन्होंने कहा है कि आपको हक है इल्म हासिल करने का। जब हम आपको कहते हैं ना कि हम बच्चे ने फलाना किया, ये क्या स्कूल में होता है, तो अगर पापा जाते हैं तो मम्मी रहती हैं दिन भर इन लोगों के साथ में, हम तो काम करते हैं, हम तो कमाते हैं, तो आप ही फिर बोलते हैं कि जब औरतें जो बनी हैं वो बेलन चौकन के लिए बनी हैं। तो अगर एक माँ अगर अच्छी एजुकेशन ना पाए तो वो अपने बच्चों को क्या देंगी। तो यहाँ पे तो मैं यही समझती हूँ कि दोनों लोगों से जो है परिवार बनता है, तो अगर मर्द हैं तो औरतों को भी जो है बढ़ चढ़ करके इल्म हासिल करना चाहिए, ना कि सिर्फ हिजाब में स्टाइल कैसा होता है।